गाइस, पिछली बार हमने एक छोटे छाते की मदद से छोटा पैराशूट बनाया था और वो पैराशूट काफ़ी कमाल के तरीके से काम करता था। वो आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। लेकिन आज की वीडियो में हम इस बड़े छाते की मदद से बड़ा पैराशूट बनाने वाले हो और उस पैराशूट के नीचे एक स्मार्टफोन का कैमरा ऑन करके लगा देंगे। फिर पैराशूट को आसमान में थ्रो करेंगे और पैराशूट नीचे आने का जो नज़ारा है वो कैसा दिखता है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को देना सब्सक्राइब। फटाफट इस छाते की मदद से पहले पैराशूट बना लेते हैं। गाइस, पहले हम इस छाते की पन्नी निकाल लेते हैं। 2000 years later। गाइस, हमने पन्नी निकाल ली है और ये पन्नी बहुत ही बड़ी है। देख लो कितनी बड़ी पन्नी है, देखो। अब हम इससे इस पन्नी से बनाते हैं पैराशूट। तो हम क्या करेंगे, इस पन्नी के जो कोने हैं उस पर धागा लगा देंगे। तो फटाफट इस पन्नी पर धागा लगाते हैं। गाइस, हमने पैराशूट बना लिया है, देख लो किस तरीके से उड़ रहा है, देख लो। अब इसके साथ यहाँ पर फोन का कैमरा ऑन कर फोन लगा देते हैं। हमने फोन लगा दिया है, अब छाते को कुछ इस तरीके से करेंगे और ये जो रस्सी है उसको इस तरीके से लपेट देंगे और अब फोन का कैमरा ऑन कर लेते हैं। अब इस पैराशूट को आसमान में थ्रो करते हैं और फिर देखते हैं। तो आसमान में थ्रो करते हैं, देखो किस तरीके से आ रहा है। पैराशूट उड़ाकर काफ़ी मज़ा आ गई। अगर आपको वीडियो में मज़ा आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।